हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर निर्मलांशु हियर। तो जहाँ तक हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं, वी हैव सीन दैट द फोर टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल स्टडिंग रेडॉक्स रिएक्शन। सो द फोर्थ टर्म क्या है? एक है ऑक्सीडेशन, ओके। एक है ऑक्सीडेशन मतलब जहाँ पे जिस एलिमेंट पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको होता है कि हम बोलते हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है। और दूसरा टर्म है रिडक्शन, मतलब द एलिमेंट व्हिच अंडरगोस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एलिमेंट इज सेड टू बी अंडरगो रिडक्शन। ओके, सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अभी नाउ अलोंग विद दिस टू टर्म्स, टू मोर टर्म्स आर कमिंग इन द पिक्चर, मींस दैट element which undergoes oxidation, it is compelling another element to undergo reduction. The element which is undergoing oxidation, it is compelling another element to undergo reduction. Means that element will act as reducing agent. That element will act as reducing agent. Okay. And the element where the reduction means gain of electron takes place, that element is compelling another element to undergo oxidation. So that element is termed as oxidizing agent. Okay, that element is termed as oxidizing agent. So now our work will be to find the equivalent mass of oxidizing agent as well as reducing agent. Okay, so equivalent mass of an oxidizing agent is given by the formula is equal to molecular mass of that element divided by decreasing oxidation number. Okay, so with this formula we'll now find equivalent mass of an oxidizing agent. Okay, now let us find the equivalent mass of chromium in acidified potassium dichromate. Okay, so potassium dichromate in the reaction, it gets converted to chromium sulfate, Cr2SO4 thrice. Now our work is to find the oxidation number of chromium here. So let us find potassium ka hai kitna, 2 into plus 1 hai, 2 hai, isliye 2 into 2 into kiya. Chromium ka nikalna hai, so twice x plus 7 into oxygen ka kitna hai, minus 2 is equal to 0, which implies x is equal to प्लस 6। सिमिलरली तो यहाँ पे कितना है, प्लस 6। सिमिलरली यहाँ पे निकालना है, सो क्रोमियम का निकालना है, सो ट्वाइस एक्स प्लस सल्फेट का कितना है, माइनस 2, 3 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज ट्वाइस एक्स इक्वल टू प्लस 6, दैट इज एक्स इज इक्वल टू प्लस 3। तो मतलब क्रोमियम का यहाँ पे है प्लस 3। लेकिन अभी बात क्या है, there are two chromium, so one chromium is having oxidation number plus 6, so two chromium means 12. There are one chromium is having oxidation number plus 3, so matlab two chromium kitna hoga, 6 hoga. So total decrease in oxidation number kya hai, total decrease in oxidation number, so let us find what is the total decrease in oxidation number. So total decrease in oxidation number is equal to 12 minus 6, 12 कैसे हुआ, plus 6 करके एक chromium, तो 12 हो जाएगा, और यहाँ पे minus 6 क्यों है, plus 3 करके एक chromium, तो 6 हो जाएगा, is equal to 6, okay? Now, therefore, equivalent mass क्या होगा, equivalent mass is equal to molecular mass by
डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर है ना, तो डिक्रीज कितना है 6 है। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट कितना है 294 बाय 6 इज इक्वल टू 49.0 इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। सिमिलरली हम निकालेंगे और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दैट इज KMnO4 एसिडिफाइड KMnO4। ओके सो लेट्स सी व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 मैंगनीज इन KMnO4। सो KMnO4 नाउ KMnO4 क्या होता है, रिएक्शन पे क्या होता है, KMnO4 गैस कन्वर्टेड टू मैंगनीज सल्फेट MnSO4। ओके सो नाउ आवर वर्क इज टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज हियर। सो पोटेशियम का कितना है +1 प्लस एक्स प्लस ऑक्सीजन का कितना है -2 इज इक्वल टू 0, दैट इज एक्स इज इक्वल टू +7। यहां पे कितना है एक्स प्लस सल्फेट का कितना है -2 इज इक्वल टू 0, दैट इज एक्स इज इक्वल टू +2। मतलब मैंगनीज ये +7 से +2 स्टेट में जा रहा है। ओके मैंगनीज +7 स्टेट से +2 स्टेट में जा रहा है। तो टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 7 - 2 इज इक्वल टू 5। इक्विवेलेंट मास क्या होगा, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय 5। ओके मॉलिक्यूलर मास बाय 5 और मॉलिक्यूलर मास ऑफ पोटेशियम पोटेशियम परमैंगनेट इज इक्वल टू 158। सो 158 बाय 5 इज इक्वल टू 31.6 इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट व्हिच इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Now our work is to find equivalent mass of a reducing agent. Okay, equivalent mass of a reducing agent. So equivalent mass of reducing agent. तो इसमें पूरा उल्टा होगा, equivalent mass of oxidizing agent था molecular mass by decrease oxidation number, यहाँ पे होगा molecular mass by increase in oxidation number, molecular mass by increase in oxidation number. Okay. So this way we can find the equivalent mass of reducing agent. तो चलो देखते हैं दो reducing agent देखते, जैसे दो oxidizing agent हमने देखा है तो दो reducing agent देखते हैं। चलो let's see. So first reducing agent which we are taking is ferrous sulfate. So ferrous sulfate क्या हो रहा है, twice FeSO4 फेरस सल्फेट रिएक्शन पे कन्वर्ट होते हो रहा है फेरिक सल्फेट Fe2SO4 thrice Fe2SO4 thrice। ओके नाउ हु विल फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन हियर। सो एक्स प्लस सल्फेट का है -2 इज इक्वल टू 0, दैट इज एक्स इज इक्वल टू +2। सो यहाँ पे है +2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, यहाँ पे देखते कितना होता है। सो ट्वाइस एक्स प्लस 3 इंटू सल्फेट का है -2 इज इक्वल टू 0, दैट इज एक्स इज इक्वल टू +3। मतलब आयरन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है +3। सो टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है, टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +3 हो रहा है। सो टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 1 टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू +2 से +3 में जा रहा है, तो टोटल इंक्रीज है 1। अभी नाउ इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मॉलिक्यूलर मास बाय इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास है फेरस सल्फेट का 152.0 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 152.0 इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ फेरस सल्फेट व्हिच इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ओके नाउ वी विल फाइंड अनदर रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज ऑक्सैलिक एसिड, वी आर गोइंग टू फाइंड
which is also a reducing agent. So उसके लिए भी same formula है. Equivalent mass of reducing agent is equal to molecular mass by increasing oxidation number. So oxalic acid, oxalic acid का formula क्या है? Oxalic acid का formula है H2C2O4 और इसके साथ रहता है two molecules of water as water of crystallization. That is the formula of oxalic acid. अभी ऑक्सैलिक एसिड रिएक्शन पे क्या हो रहा है? H2C2O4 रिएक्शन पे कन्वर्ट होते जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड पे. ओके, तो रिएक्शन, ये सब रिएक्शंस हम देखेंगे जब हम बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे. ठीक है, सो H2C2O4 में ऑक्सैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन नंबर, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? सो 2 × हाइड्रोजन का है +1 प्लस 2 × X प्लस 4 × -2 है ऑक्सीजन का. सो व्हिच इंप्लाइज 2 + 2X - 8 इज इक्वल टू 0. दैट इज एक्स इज इक्वल टू कमिंग आउट टू बी +3. ओके, एक्स इज इक्वल टू कमिंग आउट टू बी +3, मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है +3. कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? एक्स प्लस 2 × ऑक्सीजन का है -2 इज इक्वल टू 0. That is X is equal to +4. So carbon का है +4. Okay. So increase oxidation number कितना है? +3 से +4 को जा रहा है. +3 से +4 में जा रहा है. So total increase in oxidation. अभी total increase +3. तो carbon कितना है? 2 carbon है. तो कितना होगा? 6 होगा. और यहाँ पे है +4. तो इसको हम 2 लिखना पड़ेगा कि 2 टू बैलेंस दिस वन. सो टोटल इंक्रीज कितना हो रहा है? टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 8 - 6 इज इक्वल टू 2. नाउ इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय 2 होगा. और मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस ऑक्सैलिक एसिड इज, इफ यू कैलकुलेट, इट इज 126/2. That is coming out to be 63.0. 63.0 is the equivalent mass of oxalic acid. So, we have seen how we will find the equivalent mass of an oxidizing agent as well as a reducing agent. Okay? Now, in the next topic we are shifting to, means we have seen that there are redox reactions. So, there are various types of redox reactions. So we are going to study now types of redox reactions. Okay. So next our topic of discussion is types of redox reaction. So let's see what are the types of redox reactions are there. So redox reaction, types of redox reaction. Okay. So next our topic is types of redox reaction. Redox reactions are of various types. Redox reactions are of various types. The first type which we are going to study is combination reactions. Combination reactions means here two element will combine. Two element will combine to give two element combination reactions. Here two element will combine to two or more elements will combine in a chemical reaction where oxygen participates. So let us see one combination reaction, that is hydrogen plus O2 will give you hydrogen peroxide. So let's see the oxidation state of hydrogen. Hydrogen eliminatory form mein hai, toh zero hai oxidation state. Oxygen eliminatory form mein hai, toh zero hai. हाइड्रोजन यहाँ पे है +1 स्टेट में है, यहाँ पे है -1 स्टेट में है. -2 नहीं होगा बिकॉज इट इज इन पारोक्सो लिंकेज. हियर इट विल बी नॉट बी -2, इट विल बी -1 बिकॉज इट इज इन पारोक्सो लिंकेज. ओके, सो सी हाउ दिस इज इन द एलिमेंटरी फॉर्म, दे आर कंबाइनिंग टू गिव राइज टू ए ऑक्सीडेशन स्टेट. नेक्स्ट अनदर एग्जाम्पल हम देखेंगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन is giving rise to carbon dioxide. Carbon यहाँ पे eliminatory state में है, तो कितना है? Zero है. Free state में है, तो zero है. Oxygen molecular form में है, तो zero है. Carbon dioxide में carbon का oxidation state है +4,
ऑक्सीजन का है -2. नाउ दिस आर कंबाइनिंग टुगेदर एंड दे आर गिविंग राइज टू ए कंपाउंड व्हेयर देयर इज चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. और एक बात है, ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑकर्स बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन दैट कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड कंबस्शन रिएक्शन. दैट कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड कंबस्शन रिएक्शन. ओके, सो दिस वन मीन्स दिस कार्बन प्लस ऑक्सीजन is giving rise to carbon dioxide. That this is an example of combination reaction, but that combination reaction is also called combustion reactions. Next reaction we are going to study is decomposition reaction. Decomposition reaction means one compound. In this compound or compound under heating give rise to two or more components which are in the elemental state. Okay, so next is decomposition reaction. In this type of reaction, a compound undergoes decomposition on heating to give rise to two or more components in the elementary state. So let's see one example, that is twice sodium hydride. Sodium hydride, it will break to give twice Na plus H2. Twice Na upon heating, it will break to give twice Na plus H2. So this is the symbol of heating symbol you will regularly use in your organic chemistry. So यहाँ पे sodium का oxidation state कितना है? +1 है. Hydrogen का oxidation state -1 है. यहाँ पे एलिमेंटरी फॉर्म में आ गया है तो जीरो है, यहाँ में भी हाइड्रोजन जीरो है. सो वी हैव सीन दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ए कंपाउंड अंडरगोस डिकम्पोजिशन ऑन हीटिंग टू गिव राइज टू टू और मोर कंपोनेंट्स इन द एलिमेंटरी स्टेट. ओके, सो लेट्स सी अनदर एग्जांपल, दैट इज वाटर. वाटर जब ब्रेक होता है तो क्या होता है? वाटर ऑन हीटिंग it decomposes to give hydrogen and oxygen. So what is the oxidation state of hydrogen in water? It is +1. Oxygen ka hai -2. So oxidation state mein hai, it will decompose to give element in the elementary form. Okay, so hydrogen yaha pe aa raha hai, zero state mein aa raha hai, oxygen zero state mein aa raha hai. So these are some examples of decomposition reactions. Okay, next another type of reaction is displacement reaction. Let's see what is the displacement reaction. So the third type is displacement reaction. Yahan pe kya hota hai? Suppose two compound hai, yz two compound hai. इसके साथ अगर कोई एलिमेंट एलिमेंटरी फॉर्म में रिएक्ट करेगा, इट हैज द एबिलिटी टू डिस्प्लेस अ मेटल फ्रॉम दैट कंपाउंड. इट हैज एबिलिटी टू डिस्प्लेस अ मेटल फ्रॉम दैट कंपाउंड. सो एक्स वाई फॉर्म हो जाएगा और जेड को डिस्प्लेस कर देगा. ओके, सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन व्हेयर मेटल इज इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. तो क्या होता है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पे? देखो, चलो देखते क्या होता है. जैसे है एक कंपाउंड है फेरस सल्फेट, एक कंपाउंड है जहां पे आयरन है +2 स्टेट में, सल्फर है +6 स्टेट में, ऑक्सीजन है -2 स्टेट में. इट विल रिएक्ट विथ जिंक जो कि एलिमेंटरी फॉर्म में है. नाउ जिंक हैज गॉट द एबिलिटी टू डिस्प्लेस iron from ferrous sulfate. So it will form zinc sulfate. And iron will come out. Okay, so zinc sulfate, what is the oxygen state of zinc? It is +2. Of sulfur is +6. Oxygen is -2. Iron aa gaya elementary state mein. Theek hai, so jo elementary state mein tha wo compound formation ho gaya, aur jo compound mein tha मतलब किसी ऑक्सीजन स्टेट में था वो आके एलिमेंटरी स्टेट में आ गया है. नाउ नेक्स्ट इज नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नॉन मेटल
displacement reaction. Let's see what is non-metal displacement reaction. So the number B is non-metal displacement reaction. Non-metal displacement reaction. Okay. So let's see what is non-metal displacement reactions. So यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे there are reactive metals like sodium, potassium and calcium etc. Sodium, potassium, calcium etc. These are called as reactive metals. These are called as reactive metals. Now, what they do? They react with water and they displace hydrogen gas on reacting with water. So, twice क्या होगा twice चलो एक रिएक्शन देखते हैं एग्जांपल twice Na plus twice H2O twice Na plus twice H2O एरो twice NaOH plus H2 ओके ये बैलेंस हो गया ना सो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है जीरो है हाइड्रोजन का है प्लस वन ऑक्सीजन का है माइनस टू सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोजन का सोडियम का हो रहा है प्लस वन ऑक्सीजन का है माइनस टू और ये हाइड्रोजन का है प्लस वन ओके नाउ हियर हाइड्रोजन इट इज इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट सो दे हियर दिस रिएक्टिव मेटल्स ऑन रिएक्टिंग विथ वाटर दे कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द कंपाउंड फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल्स ओके सो ऐसा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में भी हो सकता है सो एन ए जीरो ऑक्सीजन स्टेट में है वाटर में हाइड्रोजन प्लस वन स्टेट में है ऑक्सीजन माइनस टू स्टेट में है सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो गया तो सोडियम है प्लस वन स्टेट में ऑक्सीजन है माइनस टू स्टेट में ऑक्सीजन हाइड्रोजन है प्लस वन स्टेट में और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया जो एलिमेंटरी स्टेट में आ गया ठीक है दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ओके सो लेट्स टेक अदर एग्जांपल ट्वाइस Na प्लस ट्वाइस H2O यहाँ पे ट्वाइस K ले लिया हमने ट्वाइस H2O ले लिया तो क्या फॉर्म हो गया ट्वाइस KOH प्लस H2 यहाँ पे पोटेशियम है एलिमेंटरी फॉर्म जीरो ऑक्सीजन स्टेट में है हाइड्रोजन है प्लस वन स्टेट में ऑक्सीजन है माइनस टू स्टेट में पोटेशियम आ गया प्लस वन स्टेट में ऑक्सीजन हो गया माइनस टू स्टेट में हाइड्रोजन हो गया प्लस वन स्टेट में और ये हाइड्रोजन आ गया जो जिस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया वो हो गया जीरो स्टेट में जीरो एलिमेंटरी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में ठीक है सो देयर आर ऑल्सो लेस रिएक्टिव मेटल्स देयर आर ऑल्सो लेस रिएक्टिव मेटल्स which can also displace hydrogen on passing on reacting with water or on passing steam. So less reactive metals में क्या होता है? Magnesium आता है, magnesium then iron. These are all less reactive metals which can also displace hydrogen on reacting with water. So let's see another one example. Mg plus H2O, Mg plus twice H2O. It will give rise to MgOH twice plus H2. Okay, जहाँ पे magnesium था zero oxidation state में, hydrogen है plus one state में, oxygen है minus two state में. Okay, यहाँ पे magnesium hydroxide में magnesium आ गया plus two state में, oxygen आ गया minus two state में, hydrogen आ गया माइनस वन स्टेट में हाइड्रोजन आ गया माइनस वन स्टेट में और ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया वो आ गया जीरो स्टेट में ठीक है सो दिस आर ऑल्सो दिस आर नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाय लेस रिएक्टिव मेटल दैट इज मैग्नीशियम आयरन एक्सेट्रा ओके सो दिस रिएक्टिव मेटल्स कैन ऑल्सो डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विथ डायलूट एसिड्स These reactive metals can also displace hydrogen on reacting with dilute acids. So, reactive with dilute acids. So, देखते हैं हम reactive metals जो होता है. So, जैसे है हमारा zinc है iron है magnesium है
magnesium here, iron here, these are reactive metals and they can displace hydrogen, they can displace hydrogen on reacting with dilute acids. Okay, so ek example dekhte chalo, zinc plus 2HCl give rise to ZnCl2 plus H2. Okay, तो जिंक था यहाँ पे जीरो ऑक्सीजन शीट में, हाइड्रोजन में HCl में हाइड्रोजन प्लस वन में है, Cl माइनस वन में है, जिंक में प्लस टू स्टेट में आ गया, क्लोरीन क्लोरीन यहाँ पे माइनस वन स्टेट में है, ओके हाइड्रोजन आ गया इसमें जीरो स्टेट में है, एलिमेंटरी फॉर्म में है तो जीरो स्टेट में आ गया. ठीक है, सो अनदर एग्जाम्पल चलो हम देखते हैं. जैसे मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेगा H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो क्या होगा, मैग्नीशियम यहाँ पे जीरो स्टेट में है तो क्या फॉर्म होगा, मैग्नीशियम सल्फेट ओके प्लस H2. तो मैग्नीशियम यहाँ पे जीरो स्टेट में है, हाइड्रोजन प्लस वन स्टेट में है, सल्फर है प्लस सिक्स स्टेट में, ऑक्सीजन है माइनस टू स्टेट में, मैग्नीशियम आ गया प्लस टू स्टेट में, सल्फर आ गया प्लस सिक्स स्टेट में, ऑक्सीजन आ गया माइनस टू स्टेट में, ये हाइड्रोजन आ गया जीरो स्टेट में. ठीक है, सो दिस आर सम एग्जांपल्स ऑफ दिस आर सम एग्जांपल्स व्हेन रिएक्टिव मेटल्स लाइक जिंक मैग्नीशियम आयरन दे ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट एसिड्स कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम दैट एसिड. नेक्स्ट रिएक्शन व्हिच यू आर गोइंग टू स्टडी इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, सो नेक्स्ट रिएक्शन विच यू आर गोइंग टू स्टडी इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. क्या जहां पे क्या होता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पे क्या होता है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ये फोर्थ टाइप है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जहां पे एक रिएक्शन पे वन एलिमेंट इन ए पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली इन ए रिएक्शन. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि एक अनस्टेबल कंपाउंड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड दैट विल ब्रेक टू गिव वाटर एंड ऑक्सीजन. सो लेट्स सी what is oxygen state of hydrogen in hydrogen peroxide plus 1, what is oxygen state of oxygen peroxide linkage mein hai to minus 1 hoga, water mein hydrogen ka oxygen state kitna hai plus 1 hai, oxygen ka kitna hai minus 2 hai, yahan pe kitna hai 0 hai. to dekho same oxygen in one single reaction it is undergoing increase in oxidation state and also decrease in oxidation state. मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है साइमल्टेनियसली. ओके, सो नाउ सी माइनस वन से एक बार माइनस वन से माइनस टू स्टेट में आ गया, मतलब इंक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट या डिक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज हुआ. और दूसरा बार क्या हुआ, माइनस वन से जीरो स्टेट में आ गया तो देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ. यहाँ पे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब रिडक्शन हुआ. तो इसको अगर देखेंगे तो ये है नंबर लाइन जीरो, ये प्लस वन है, ये प्लस टू है, ये प्लस थ्री है, और ये है माइनस वन, ये माइनस टू है, ये माइनस थ्री है. तो एक बार क्या हो रहा है, माइनस वन से माइनस टू में जा रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज ओके दिस इज डिक्रीज. और एक बार क्या हो रहा है, माइनस वन से जीरो स्टेट में जा रहा है तो दिस इज इंक्रीज. ओके, सो मींस एक बार ऑक्सीडेशन हो रहा है, सेम एलिमेंट ऑक्सीजन इन ए पर्टिकुलर रिएक्शन इट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली, दोस रिएक्शंस आर कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस. ओके, लेट्स सी अनदर एग्जांपल व्हेयर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑकर्स. सो फॉस्फोरस क्या होता है, फॉस्फोरस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना क्या है, P4. फॉस्फोरस अंडरगोस डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इन अल्कलाइन सॉल्यूशन. तो P4 रिएक्ट्स विद थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी अल्कलाइन सॉल्यूशन, ओके प्लस वाटर मीडियम, वाटर तो मीडियम में होगा. इट विल गिव राइज टू PH3 प्लस
H2PO2 minus. ओके नाउ सी फास्फोरस यहाँ पे है जीरो स्टेट में है, यहाँ पे कितना स्टेट में है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस हियर, इट इज माइनस थ्री. व्हाट इज ऑक्सीजन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन दिस कंपाउंड H2PO2 minus में प्लस वन है. ठीक है, तो सेम फास्फोरस इन ए सेम रिएक्शन अंडर गोइंग, एक बार जीरो से माइनस थ्री में जा रहा है, मतलब डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर. और सेम फास्फोरस दूसरा बार क्या हो रहा है, इसी एक ही रिएक्शन पे जीरो से प्लस वन स्टेट में जा रहा है, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है, सो दिस आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन व्हिच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सो फार एज योर फाइनल एग्जाम पॉइंट इज कंसर्न्ड. सो आई एम गिविंग हियर थ्री स्टार. ओके नाउ आई विल डू सम एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स, सम एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स ऑन दिस फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन. सो लेट्स सी व्हाट आर द प्रॉब्लम्स. सो I will do one problem and I will give homework. Now it is your duty to do the problems. So this is one NCERT problem. NCERT problem, okay, which I am giving to you people now. How do the following ions undergo disproportionation? Disproportionation in number one is ClO minus, number one is ClO minus, number two is ClO2 minus, number three is ClO3 minus. Okay, now I will do one example. And you will do rest two. You will do in your homework. Okay. So let's see how ClO minus is undergoing disproportionation reaction. Okay. So 3 ClO minus is giving us 2Cl plus ClO3 minus. So what is the oxidation state of Cl chlorine here in ClO minus? It is plus 1. What is the oxidation state of chlorine here? It is minus 1. Cl minus, C minus hoga. It is minus 1. Okay, it is minus 1. What is the oxidation state of chlorine here in ClO3 minus? It is plus 5. It is plus 5. Okay, now see, same Cl. At one time it is undergoing oxidation, change in oxidation number plus 1 से plus 5 तक जा रहा है, मतलब increase in oxidation number हो रहा है. Same Cl एक दूसरा बार एक ही reaction पे plus 1 से minus 1 में जा रहा है, तो मतलब decrease in oxidation number हो रहा है. तो it is an example of disproportionation reaction. Okay, next I will do another problem which is also a NCERT problem. Let's see. बाकी जो दो जो रह गया है that you people will do, you people try to do as a homework. If not possible, then you can ask me over my WhatsApp number. Okay. So I am there to help you people out. So लेको एक question. Does ClO4 minus means इसका नाम क्या है, परक्लोरेट आयन undergo disproportionation in solution. तो disproportionation in solution तो मतलब है कि ClO4 minus में ऑक्सीडेशन होना जरूरी है और रिडक्शन भी होना जरूरी है, मतलब देयर शुड बी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर
increase in oxidation number, and as well as there should also be decrease in oxidation number. So let's see what is the oxidation number of Cl chlorine in ClO4-. So let's see, it is X plus 4 into minus 2 is equal to minus 1. That is X is equal to plus 7. मतलब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस 7. तो प्लस 7 से ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो सकता है. इट इज अ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 7 ऑफ क्लोरीन. सो प्लस 7 से ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो सकता है, लेकिन इंक्रीज पॉसिबल नहीं है. ओके, so it can undergo the decreased oxidation number by undergoing reduction, but it cannot increase oxidation number by undergoing oxidation. So plus 7 क्लोरीन का कितना है? क्लोरीन का है एटॉमिक नंबर है 17. मतलब नियॉन देन 3s2 3p5. सो इट कैन लूज दिस 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट हैज गॉन टू प्लस 7. Now it is not at all possible for chlorine to lose another one more electron. So that is why plus 7 से increase in oxidation number possible नहीं है, लेकिन plus 7 से decrease हो सकता है, लेकिन increase possible नहीं है. So that is why ClO4- ion does not undergo. So answer is no, ClO4- ion cannot undergo disproportionation reaction. मेरा बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? सो why this cannot undergo disproportionation reaction? Because if an element to undergo disproportionation reaction, it should increase its oxidation number and also decrease oxidation number. मतलब उसमें reoxidation होना जरूरी है, simultaneously reduction होना जरूरी है. तो ClO4- ion में chlorine का oxidation state कितना है? Oxidation number है plus 7. प्लस 7 से वो डिक्रीज करके और रिडक्शन करके ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज कर सकता है, लेकिन नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर क्लोरीन टू अंडरगो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन. सो दैट इज व्हाई ClO4- आयन कैन नॉट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. ओके, सो यहां तक हम आज पढ़े हैं. सो नाउ आई विल से दैट अगेन एंड अगेन. आई एम सेइंग आज तुम्हारा एग्जाम भी है. सो अच्छे से करना, अच्छे से बैठना एग्जाम में. सो विद दिस आई एम गोइंग टू कंक्लूड हियर टुडे एंड रेस्ट वी आर लेफ्ट विद सम मोर टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर. सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट यू डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर. द मोर यू विल प्रैक्टिस, द मोर यू विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स, बिकॉज दिस चैप्टर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड स्कोरिंग चैप्टर्स. ओके, so with this I want to conclude here. My dear students, have a nice time and do good in today's exam. So at the time of exam you will get the question paper, so you do write well. Okay, so all the best wishes from the bottom of my heart. Thank you very much my dear students for your patience hearing. Thank you.